अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक नेताओं की खास मीटिंग बुलाई, लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की गैर मौजूदगी ने बेचैनी बढ़ाई। जी हां, यूपी की सियासत में खबरें कम और खबरों के पीछे की खबरें ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं। अब जबकि आज की खबर को ही ले लीजिए, खबर तो ये थी कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस खबर पर तो बात नहीं हुई। बात इस पर हुई कि मीटिंग में आखिर कौन कौन नहीं आया। अब्दुल्ला आजम इस मीटिंग से दूर रहे, और जब वो इस मीटिंग से दूर रहे तो सवाल उठने भी लाजमी थे और अफवाहें भी साथ में उड़ी कि वो नाराज हैं या आजम खान ने उन्हें लखनऊ जाने से मना कर दिया था। चलिए अब आपको असलियत भी बता देते हैं, आखिर अब्दुल्ला क्यों इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। इससे पहले मीटिंग का मुद्दा और इसकी अहमियत भी समझ लीजिए। विधानसभा के चुनाव परिणामों में अल्पसंख्यक वोटर्स ने सबसे ज्यादा वोट सपा को दिया था। सपा का दावा है कि पिछले चुनावों में 98% मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ था। सपा पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अब लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी यादव, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए बड़ा उलटफेर करना चाहती है, और अब मुलायम सिंह यादव नहीं है, लिहाजा अखिलेश यादव एक बार फिर मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूपी में मुस्लिम समाज के साथ सपा पहले भी थी और आगे भी रहेगी। भाजपा ने भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन किया था। इसमें सरकार के अंसारी समाज के मंत्री दानिश अंसारी के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी शरीक हुए थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूपी में अभी भी अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाने की तैयारी में है। खैर, ये तो हुई मीटिंग की अहमियत की बात, लेकिन अब बात करते हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम की। अखिलेश यादव की बैठक में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम नहीं पहुंच सके। जब सबने सवाल पूछे तो मीडिया हलचल ने इसकी जानकारी जुटाई। हमें पता चला कि दोनों नेताओं की आज कोर्ट में पेशी होनी थी, ऐसे में कोर्ट जाना जरूरी था और यही वजह रही कि वे पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच सके। उनके नाराज होने या फिर विरोध जताने की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं।